हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ बच्चों, आज जब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग क्लास 9th में एंटर हुए हैं, क्लास 8th पास करके, और आप लोगों को बताया गया है कि क्लास 8th से क्लास 9th में आना एक हाई जंप जैसा होता है। माय डियर चिल्ड्रन, बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स वही हैं जो हम 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया गया है, और अगर आप लोगों के फंडामेंटल्स पूरी तरीके से क्लियर हैं तो आप लोगों को समझने में और इस जंप को तय करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपके जो भी मुश्किल कंसेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा मौजूद रहूँगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हमारी अर्थ है और जिस अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं, यह है यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहली चीज़ है एनर्जी और दूसरी चीज़ है मैटर। एनर्जी और मैटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एनर्जी को केवल और केवल फील किया जा सकता है। एनर्जी ना तो मास रखती है और ना ही कोई जगह घेरती है, केवल और केवल इसको महसूस किया जा सकता है। बच्चों, मैटर को महसूस करने के साथ साथ हम देख सकते हैं। अगर देख भी नहीं सकते तो ये बात तो तय है कि इसके अंदर मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में ही आज डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में, कुछ मैटर की नेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। बच्चों, ये छोटे पार्टिकल्स कहलाते हैं कण। इनको कहा जा सकता है कण। कण वर्ड जो ये हिंदी का जो एक शब्द है, ये हमारे ही देश में एक महर्षि मुनि कणाद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बहुत काम किया था मैटर के फील्ड में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिनसे एक मैटर बना होता है, यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि आकार में यानी कि साइज में दे आर वेरी स्मॉल। और महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों का बना होता है, और इन पार्टिकल्स को उनके नाम पर कण कहा गया। और एक टर्म और भी हिंदी में यूज की जाती है जिसे कहते हैं परमाणु। परमाणु भी इन्हीं पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो बात हम लोग कर रहे थे कि मैटर, एवरी मैटर ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। चलिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि इनको नेकेड आई तो छोड़िए, किसी अब तक बनाए गए, अब तक डिजाइन माइक्रोस्कोप्स में से कोई भी माइक्रोस्कोप इतना शक्तिशाली नहीं है कि इन स्मॉल पार्टिकल्स को देखा जा सके और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सके। तो बच्चों, मैटर की ये दो नेचर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। चलिए बात करते हैं इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं
कि इनके बीच बीच में कुछ जगह बन जाती है, यानी कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है और यह अलग अलग तरीके के मैटर में ये स्थान घटता या बढ़ता रहता है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि मैटर की तीन स्टेट्स जनरली पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में अगर हम देखें तो ये स्थान बहुत छोटा सा, यानी कि नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, होता है, जबकि गैसेस में यही स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिक्विड के केस में ये एक मीडियम स्टेट में रहता है, ना तो इतना कम जितना सॉलिड में है, ना ही इतना ज़्यादा जितना गैस में है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच बीच में इंटर पार्टिकुलेट स्पेस पाया जाता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच बीच में जगह पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, जो मैटर की स्टेट के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। चलिए दूसरी बात करेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स लगातार गति करते रहते हैं, अपनी जगह पे लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर मौजूद होती है एक काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही इन पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। और एक तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर और लेके आऊँगा कि इन पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ये फोर्स होगा उतने ही ये पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे और उनका बीच का स्पेस घटता चला जाएगा, और जितना फोर्स अट्रैक्शन का कम होता चला जाता है उतना ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में पाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जबकि गैस में यही अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया कि पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले से और प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है। कौन कौन सी होती हैं वो ये तीन स्टेट्स? हाँ, जवाब आप ही लोगों की तरफ से आ रहा है कि ये स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए एक एक करके हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड स्टेट की खास बात क्या है कि इट हैज ए डेफिनेट शेप, उसका आकृति और आकार, शेप एंड साइज, ये डेफिनेट होता है, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसकी बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट होती हैं, और सॉलिड्स रिजिड होते हैं। चलिए, तो सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता, और इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और एक बच्चों बात और बताना चाहूंगा कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकते, और सॉलिड्स की पहचान, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है बच्चों। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के बारे में। चलिए लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, जबकि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है बच्चों। यानी कि अगर एक लीटर लिक्विड है तो हम उसे किसी भी बर्तन में क्यों ना रख दें, उसका वॉल्यूम एक लीटर ही रहेगा, भले ही उसकी शेप उस बर्तन के हिसाब से क्यों ना हो जाए।
चलिए और बात करते हैं लिक्विड के बारे में। डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, और इनके अंदर थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन एक लेवल तक किया जा सकता है। लो डेंसिटी वाले लिक्विड्स होते हैं, यानी कि सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो इनकी डेंसिटी कम होगी, और ये सॉलिड के कंपैरिजन में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स के कंपैरिजन में लोअर होता है। तो ये कुछ बातें थी लिक्विड के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं गैस के बारे में। गैस का ना तो कोई आकृति होती है, ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि अगर एक सेंट की छोटी सी शीशी को खोल दिया जाए तो उसके अंदर मौजूद गैस पार्टिकल्स बहुत थोड़ी सी देर में पूरे रूम में घूम जाते हैं और शीशी खाली हो जाती है। यानी कि गैस ना तो एक फिक्स वॉल्यूम रखती है और ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, यानी कि किसी भी प्रकार के कंटेनर में, छोटे या बड़े, किसी भी आकृति में, किसी भी आकार में हम गैस को बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए सेंट की छोटी सी शीशी में बहुत सारा सेंट आ जाता है, जो कि पूरे कमरे में भी समा जाता है। यानी कि लार्ज वॉल्यूम को एक स्मॉल कंटेनर में कंटेन किया जा सकता है, ये खास बात है गैस की। दूसरी बात, इनके बीच के, यानी कि पार्टिकल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स गैस के बारे में। नोट्स मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है, रीडेबल है, आप जब चाहें वीडियो को पॉज करके नोट्स अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। लर्न करने के बाद हम उनको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करें, बहुत आसानी के साथ चैप्टर हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को क्लियरली दिखाया गया है कि उनकी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या रहती है। सॉलिड स्टेट में आप लोग देख सकते हैं पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास मौजूद हैं, और लिक्विड स्टेट में आप लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपके स्कूल का, जब आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो ठीक उस तरीके से बैठते हैं डेस्क पर, बराबर 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 जैसे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स लगे हुए नज़र आते हैं, और लिक्विड स्टेट जब इंटरवल होता है आप लोग अपनी डेस्क से उठते हैं और प्रीमाइसिस के अंदर ही इधर उधर बिखर जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट दिखाई दे रही है। और जब छुट्टी होती है सभी बच्चे स्कूल प्रीमाइस से निकल करके अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, यानी कि गैसियस स्टेट। तो बहुत आसानी के साथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में पार्टिकल्स की पोजीशन को हम इस एग्जांपल से याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, और एक चार्ट आप लोगों के सामने मौजूद है, हालांकि सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन एग्जाम में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और आप लोगों को ये डिफरेंस लिखने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, और मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर ये चार्ट मौजूद है। बच्चों, सारे पॉइंट सिस्टमेटिकली लगे हुए हैं। सॉलिड में पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, जबकि गैसेस में नो रेगुलर अरेंजमेंट, या अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में तो सॉलिड्स में वेरी स्मॉल, लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स, और गैसेस में वेरी लार्ज। बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में तो सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड्स में वीकर देन सॉलिड्स, और गैसेस में वेरी वीक। तो इस तरीके से पॉइंट्स को
डिफरेंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और एग्जाम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग तीनों ही स्टेट्स का कंपैरिजन जरूर जरूर याद करेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम आगे की तरफ इस चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि क्या स्टेट एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, क्या सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। ये सारे सवाल हमारे सामने अब आ गए हैं और इनका जवाब हमें ढूंढना है। चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, और इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। चलिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स के केस में माय डियर चिल्ड्रन, तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के पार्टिकल्स की बढ़ती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगी वाइब्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा माय डियर चिल्ड्रन, और इस वजह से जब ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो आ जाती है लिक्विड स्टेट। जी हाँ, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। चलिए ध्यान देते हैं मेरे पीछे लगे हुए स्क्रीन पर लिखे नोट्स पर थोड़ा सा। As the temperature increases in case of solids, the kinetic energy of the solids increases and the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed positions and start moving here and there. आप लोगों को ये points बहुत अच्छे से मैं clear कर चुका हूँ, और धीरे धीरे वो स्टेज भी आ जाती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है माय डियर चिल्ड्रन, वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, एग्जाम में पूछी जा सकती है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। जी हाँ, और भी आगे फर्क पड़ता है कुछ चीजों का और इस कन्वर्जन में स्टेट्स की। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि यदि प्रेशर चेंज होता है, देखिए बच्चों जितना हम प्रेशर अप्लाई करते चले जाते हैं किसी भी स्टेट पर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ बच्चों, हम किचन में जो गैस कुकिंग में यूज करते हैं उसको पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और ये पेट्रोलियम गैस कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दी जाती है। कंप्रेस होने के बाद में ये गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, यानी कि जो सिलेंडर आपके घर पर सप्लाई हो रहा है उसके अंदर गैस नहीं भरी हुई है बल्कि लिक्विड स्टेट में गैस भरी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ, आप लोग शायद जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर कंप्रेस करते चले जाए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और इसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रेशर का किसी भी स्टेट के कन्वर्जन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, यानी कि अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर के अलावा अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर को घटाते हैं तो
क्या होगा, ये सारी स्टेट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जी हाँ बच्चों, चलिए एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और ये टॉपिक है इवेपोरेशन। क्या होता है ये इवेपोरेशन, ये मैं आज आप लोगों के सामने ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में 90% आने के चांसेस रहते ही हैं। चलिए बच्चों, इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। इवेपोरेशन बच्चों, हम लोग कपड़े धोने के बाद धूप में सुखा देते हैं, थोड़े समय के बाद हमारे कपड़े सूख जाते हैं। जी हाँ, हम फ्लोर को धोते हैं, धोने के बाद वाइप करते हैं, फर्श गीला होता है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि फर्श पूरी तरीके से सूख गया है। ये घटना कहलाती है, ये इवेंट कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है इवेपोरेशन। जी हाँ, वाटर का या किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है इवेपोरेशन। और ये इवेपोरेशन पॉसिबल हो जाता है, हो सकता है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इवेपोरेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, जब हम अपनी शर्ट को धूप में सुखाते हैं या छाए में भी सुखाते हैं, हमें उस समय टेम्परेचर का कोई अंदाजा नहीं होता। टेम्परेचर सारा दिन घटता या बढ़ता रहता है, लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से चलता ही रहता है। हाँ, कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं जो इवेपोरेशन पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि जितना ज़्यादा सरफेस हो एरिया होगा उतना ही तेज़ी के साथ इवेपोरेशन होगा, या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी के साथ इवेपोरेशन होगा। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जाड़ों में देर में सूखते हैं, रीज़न टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना। ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं तो इवेपोरेशन कम होगा। हाँ, हवा की स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं एक डायग्राम के थ्रू दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देखिए, अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, जैसे कि सपोज हमने चाय बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी लेकर के गैस पर चढ़ा दिया, जी हाँ गैस जला दी, थोड़े समय में पानी उबलने लगता है, ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग में टेम्परेचर फिक्स होता है, जिस टेम्परेचर पर हमने गैस को जलाया है, और एक खास टेम्परेचर पर आकर पानी उबलने लगता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि पूरे वाटर में, ये पॉसिबल नहीं है कि सरफेस पर ही हो, जबकि पूरी लिक्विड में या वाटर में जो भी हम लोगों ने मटेरियल लिया हुआ है, ये बॉइलिंग का इवेंट चलता है। ये फिनोमिना बॉइलिंग का पूरे लिक्विड में चलता है, जबकि इवेपोरेशन केवल और केवल ऊपरी सरफेस पर ही होता है। और एक दूसरी बात मैं आप लोग बच्चों को बताना चाहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी ऊपरी सरफेस पर ज़्यादा होती है इवेपोरेशन के केस में, जबकि बॉइलिंग में पार्टिकल्स जो पूरे लिक्विड के अंदर मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तीसरी बात, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होती है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में ही वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग फिनोमिना है और अलग तरीके से घटते हैं। चलिए, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है। बच्चों, घड़े में पानी भर के रख दिया जाता है और कुछ समय के बाद पानी ठंडा होता है, क्योंकि घड़ा मिट्टी यानी सॉयल का बना होता है और सॉयल पोरस होती है, वाटर लगातार इवेपोरेट होता रहता है और पानी ठंडा होता रहता है। या एक दूसरा एग्जांपल, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग गर्मी के मौसम में, क्योंकि कॉटन फाइबर स्वेट यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब करके
ठंडा हो जाता है. जी हाँ, बिकॉज ड्यूरिंग समर perspiration is more which keeps us cool. During evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapors. जी हाँ, तो heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed by the body, leaving the body cool. यानी कि cotton एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, इसलिए आसानी के साथ स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब इवेपोरेशन होता है तब ठंडक प्रदान करता है हमारी बॉडी को. और इसी के अलावा हम एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि पानी, ठंडा पानी अगर हम एक गिलास में भर करके रख देते हैं तो कुछ समय के बाद गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि गिलास की दीवार में कुछ छेद हैं जिससे पानी निकल के आया, बल्कि एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर की वेपर्स ठंडी होकर के उसके चारों तरफ जम जाती हैं. जी हाँ बच्चों, तो ये भी एक रीज़न है इवेपोरेशन का. चलिए, बातें खत्म हुई, चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून.